ओके कैसा है मेरा कैबिन में तो लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं है। एनीवेज आज हमारा वेटिंग हुआ है टैंकर पे। जिसको नहीं पता वेटिंग एक बहुत ही खतरनाक टाइप का इंस्पेक्शन होता है जिसमें कि इंस्पेक्टर आगे ए टू जेड पॉइंट निकालने की कोशिश करता है पूरे चार्ज में, मिले ना मिले लेकिन ढूंढ के निकालता ही है। तो वेटिंग काफ़ी अच्छी हुई हमारी। क्या फोकस गेम हो रहा है मेरे कैमरे के साथ। हाँ तो वेटिंग अच्छी हुई। अब बज रहे रात के 12। इतनी रात को ना मैं जगता हूँ और ये सब चीज़ें कैबिन में खाता भी नहीं हूँ। इसमें क्या है ना कि ये है पीनट बटर, मेरा फेवरेट मिल्क, ड्राई फ्रूट्स है और अपना एक वीट बिक्स है, अच्छा खासा काप्स है इसमें। लेकिन आज तो भाई वेटिंग हुई है। ये लाइटिंग का क्या हो रहा है मेरे कैबिन में। हाँ आज तो भाई वेटिंग हुई है, आज तो चलता है। मैंने उस पर वीडियो तो मुझे बनाना है लेकिन आज थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, डाउटफुल है। ट्राई तो कोशिश करेंगे कि आज ही बनाए लेकिन नहीं हुआ तो बनेगा। चलो सेकंड मेट ने मुझे थोड़ा जल्दी रिलीव कर दिया डिनर के लिए। कोई ट्रैफिक नहीं है, ओपन सी है भाई लोग, तो ब्लॉगिंग एकदम सेफ है। काफी लोग बोलते हैं, कॉमेंट करते हैं कि ये ब्लॉग करते और काम भी करते। टेबल मैनर जैसी चीज पे बात करने की जरूरत भी क्यों है। मेरा मतलब था कि क्या सेलर्स का टेबल मैनर्स खराब है। दुनिया भर के टेबल मैनर्स पे वीडियो है, लंबे लंबे टेबल मैनर्स पे, तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई इसको बनाने की। जरूरत पड़ी क्योंकि वो सारे के सारे बहुत लंबे वीडियोस थे और ऐसी ऐसी चीजें, इम्प्रैक्टिकल चीजें बताई थी। हम कोई क्लासी पार्टी में नहीं जाते जहाँ पे कि हमें ना एकदम एटिकेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बट हम इंटरनेशनल लोगों के साथ सेलिंग करते हैं, डिफरेंट मल्टीनेशनल लोग होते हैं और हमें बेसिक टेबल मैनर्स कुछ चीजें हैं वो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। सारे टॉपिक मैं अपनी तरफ से ऐसा सिंपल बनाता हूँ ना कि क्या बताऊँ कितना सिंपल बनाता हूँ। मैंने कैडेट से बात करी और मुझे पता चला कि आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये लोग सिर्फ एक ही क्लास करते हैं। बताओ, एक साल का DNS या 6 महीने का कोई कोर्स और टेबल मैनर्स के ऊपर होती है सिर्फ एक क्लास फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि वो सिलेबस में है, जो कि बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो बंदा 20 साल से घर में किसी एक तरीके से खा रहा है, एक तरीके से उसके माँ बाप ने सिखाया है या एक तरीका उसने सीख लिया है। अब उस तरीकों को सही करना एक क्लास? Are you kidding me? एक क्लास बस? क्या है ये? Anyways, जब मैंने 2002 में प्रीसी ट्रेनिंग करी थी ARI से, तो हमारी तो भाई एवरी ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी टेबल मैनर्स क्लास। तो आई होप अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला ये वीडियो देख रहा है तो भाई टेबल मैनर्स का क्लास बढ़ा दो, हाई टाइम है। दूसरा रीजन ये है कि अभी भी जहाज पे सीनियर ऑफिसर्स मिलते हैं जिनका टेबल मैनर्स मतलब बेसिक। यार ऐसे तो मैं बहुत बड़ा क्लासी आदमी हूँ क्या? मेरा तो टेबल मैनर खुद ही बड़ा खराब पड़ा हुआ है। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो करना चाहिए जिससे कि आपके साथ में जो खाना खा रहा है वो बंदा इरिटेट ना हो। और टेबल मैनर जरूरी है क्योंकि आप जहाज में साइन ऑन से साइन ऑफ तक मिनिमम 3 बार खाने जाते हैं। दिन में ये एक्टिविटी आप 3 बार करते हैं, तो इसकी बेसिक चीजें सही कर लेना फायदेमंद है। वो खाते टाइम अननेसेसरी आवाज करते हैं, वो टेबल में झुक जाते हैं, वो टेबल के अंदर अपनी मुंडी को गड़ा लेते हैं। खाने को ऊपर ले जाना थोड़ा तकलीफ का काम होता है, तो मुंडी को नीचे डाल दो टेबल पे। देखिए
एक्सक्यूज मी, आजकल तो यार बेसिक टेबल मैनर सभी से एक्सपेक्टेड है, नहीं तो आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी तो हो सकता है वो भी आपको छोड़ के भाग जाए कि भाई इसको तो खाने को भी नहीं आता। मैं इतना जो ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरा भी कोई टेबल मैनर बहुत टॉप क्लास नहीं है, बेसिक नॉर्मल चीज़ें आती है कि भाई एटलीस्ट किसी और को इरिटेट ना करें, बस इतना ही प्लान है। अगर आप नए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में ऐसा कुछ है कि यार टेबल मैनर्स, मेरे घर में तो यार डिनिंग टेबल तक नहीं था जब मैंने एज ए कैडेट ज्वाइन किया, जब अपना घर लिया तब जाके एक डिनिंग टेबल आया, तो जमीन पे बैठ के खाते थे और इतना कोई ध्यान नहीं देता था, बट फिर भी पेरेंट्स बेसिक चीजें तो बता देते। लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया या आपके ट्रेनिंग में भी आपके इंस्टीट्यूट ने भी आपकी ट्रेनिंग नहीं करी, तो बेस्ट है कि आप दूसरों को देखिए। जब आप जहाज पे जाते हैं दूसरों को देखिए कि वो कैसे खा रहा है, वो कैसे खा रहा है, आपको जो सही लगता है वो करिए, तो दूसरों से सीखेंगे तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा। स्लर्पिंग बोलते हैं इसको, ये जो आप मुंह के अंदर डाल देते हैं ना, मुंह को डाल देते हैं कॉफी के अंदर, इसको बोलते हैं स्लर्पिंग। ऐसे आप आवाज करके नहीं खा सकते, आपको बड़े आराम से कॉफी है, टी है, गर्म है, कोई बात नहीं गर्म है तो भी आपको उसको मुंह में डालना है धीरे से, यानी कि अपने मुंह को डाल दिया उसके अंदर। ये एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बात हो जाती है, क्योंकि कॉफ़ी चाय ये ऐसी चीज़ें जो आप यू नो कहीं भी पीते हैं, तीन बार मील्स खाते हैं लेकिन कॉफ़ी हो सकता है 4-5 बार आप पीते हो, तो ये सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है। ईट वन आइटम एट अ टाइम, यस। अगर आप सूप, नॉर्मली डिनर में सूप पहले आता तो आप सूप पी लीजिए, सूप के बाद आप मेन मील कर लीजिए और फिर स्वीट डिश कर लीजिए। ये नहीं कि आपके 3-4 आइटम 5 आइटम पड़े हो, आप इसमें से भी खा लें, आप इसमें से भी खा लें, आप इसमें से भी खा लें, उसको थोड़ा सा ऑफेंसिव माना जा सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे इसको प्लेस कर सकता हूँ एल्बो को, और आपसे ऐसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं खा रहा हूँ तो एल्बो प्लेस करके ऐसे खाना इज नॉट अ गुड हैबिट। You should ideally sit straight and pick up your hand. आप जब खा रहे हैं तो आपको हाथ को ऊपर एफर्ट लेके मुंह के पास लाना है और फिर खाना है। अगर मील टेबल पे आपके साथ 2-4 लोग हैं तो ये नहीं कि बीच में आप उठ के चले जाइए। अगर आपको काम है, आपको जल्दी जाना है, तो कोई बात नहीं, आप प्यार से एक्सक्यूज मी बोल के उठ सकते हैं, और ऐसे नहीं कि भाई जस्ट खत्म किया बिना किसी और को कुछ ग्रीट किए, बिना कुछ बोले आप सीधा उठ के चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। वैसे तो टेबल मैनर्स में काफी सारे सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर वही जाना होता तो फिर मेरे वीडियो का और जो वीडियो ऑलरेडी है उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तो एक सिग्नल जो बता देते जो बहुत काम का होता है, वो ये होता है कि मेसमैन को कैसे इंडिकेशन लगेगा कि आपको और खाना है या फिर आप फिनिश हो चुके। तो अगर आपने खाना फिनिश कर दिया है तो आपने आप जब यूज करना खत्म कर दिया, तो उसके बाद आप अपने कटलरी को, अपने क्या बोलते हैं इसको यार, स्पून एंड फोर्क, अपने स्पून एंड फोर्क या नाइफ को ऐसे आप पैरेलल रख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आई हैव फिनिश्ड, उसके बाद मेसमैन आपकी प्लेट क्लियर कर देगा। लेकिन अगर आप आधा ही खाएं, आपको लगता है कि आपको और खाना है और यू वांट मेसमैन टू ब्रिंग मोर फूड फॉर यू, तो फिर आप इसको ऐसे क्रॉस रख दीजिए। इसका मतलब होता है ब्रेक, तो वो और फूड आपके लिए लेके आएगा। जब आप मेसरूम में आते हैं तो आपको सबको ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप बोल सकते हैं, आप बॉन एपेटीट बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रूम में घुसने से पहले बोलना ही है। गुड इवनिंग, बॉन एपेटीट, अरे वो जनरेटर का स्पेयर मंगाया था किधर रखा रे, बहुत आवाज हो रहा है यार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को मारना है, दबाना है, उसको फोड़ डालना है, और अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन करना तो बहुत ही इजी है, उसके बाजू में एक घंटी है, उसको बजा सकते हो चाहो तो, आपकी मर्जी है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब वीडियो आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।